أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In this tutorial, I will let you know about the subject Information Library and Society, lecture number 2. Lecture number 2 जो है वो है Library and Information Profession. Librarianship क्या है, Information Profession क्या है? तो आज की इस lecture में इंशाल्लाह 20 के जितने students हैं या MLS के, उसको समझ आ जाएगी कि Library and Information Profession क्या है. So let's go to the first slide. What is librarianship? Librarianship is a profession that involves managing and providing access to information resources. Librarianship ek aisa pesha hai jiska kaam hai material ko manage karna aur uski access faraham karna. Librarian works in various settings. लाइब्रेरी मुख्तलिफ जगहों पर काम करते थे, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड एकेडमिक लाइब्रेरीज. कुछ लाइब्रेरियन पब्लिक लाइब्रेरीज में काम कर रहे थे, कुछ एकेडमिक लाइब्रेरीज में काम करते हैं. एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या है, ये मैं अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा. कुछ म्यूजियम में काम करते होते, आर्काइव में काम करते हैं, एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मीडिया में भी लाइब्रेरियन की जरूरत होती है. इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स होते हैं. They help individual and communities find and use information resources for learning, personal growth and success. Librarian का क्या काम है कि जो communities में individuals यानी अफराद रहते हैं उनको information ढूंढना, किस purpose के लिए, learning purpose के लिए यानी सीखने सिखाने के लिए उनको चीज़ें मुहैया करना, personal growth इसकी जो है ना अपनी personality ग्रोथ के लिए और उनकी कामयाबी के लिए चीज़ें मुहैया करना लाइब्रेरी प्रोफेशन का काम है. लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, देखिए हर प्रोफेशन के जो है ना कुछ हसूल होते हैं, कुछ अकदार होते हैं. तो लाइब्रेरीज आर नाउ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एज इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. आप दुनिया में किसी भी कोने में जाएं तो आपको वहाँ पर लाइब्रेरीज मिलेगी और लाइब्रेरियन भी मिलेंगे. No community is complete without a library. कोई ऐसा माशरा नहीं है जो कि लाइब्रेरी के बगैर मुकम्मल. The gradual spread of the concept of democracy, education, the intensification of such activities. जैसे कि जो जो डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन में भी बढ़ोतरी आ रही है, इसी तरह सर्च एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही है. एंड द रेपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड नॉलेज have led to the expansion of libraries. और जो जो ये recorded knowledge बढ़ती जा रही, इसी तरह library की भी जो ना बढ़ोतरी होती जा रही. And the development of their services, और इसी तरह librarianship की जो services है वो भी time to time बढ़ती जा रही. A library is a crucial element of a community. एक इंतहाई अहम रुकन है library जो ना society में एक पिलर की मानेंगे. एन एकेडमिक लाइब्रेरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एकेडमिक लाइब्रेरी हर ऑर्गेनाइजेशन की जो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है इसके लिए एक अहम सतून की हामिल है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह लाइब्रेरी जो एकेडमिक सेटअप में आ जाती है वो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. इसके अलावा बिजनेस के इदारे और जो कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी लाइब्रेरी का बहुत अहम रोल है. लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन इस स्लाइड्स में इज अ ग्रोइंग फील्ड दैट हैज बाय नाउ अटेंड द स्टेटस ऑफ सेपरेट डिसिप्लिन इन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज. पहले जमाने में ये किसी और डिसिप्लिन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो 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 ना इलम बढ़ता जा रहा है, लाइब्रेरियनशिप भी फैलती जा रही और उसने अब एक सेपरेट डिसिप्लिन यानी अलाहदा डिसिप्लिन की हैत इख्तियार कर. इट प्रेजेंट चैलेंजेस एंड इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू लाइब्रेरी पर्सनल. जो भी लाइब्रेरी के लोग हैं यानी प्रोफेशनल है, इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामने भी है और बहुत ज़्यादा दिलचस्प हकैक भी इसके सामने आ रहे हैं. द मैनेजमेंट ऑफ दीज लाइब्रेरी नीड्स पर्सन विद गुड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफिशंसी इन वन नेचुरल, सोशल एंड ह्यूमनिटी. जो जो मैनेजमेंट की ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की प्रोफिशिएंसी, चाहे वो नेचुरल साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, या आर्ट्स में हो, या ह्यूमैनिटीज में हो, तो ये
लाइब्रेरियनशिप की प्रोफेशन की मायार भी बढ़ती जा रही है, विच इज हेल्पफुल इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरियन। जो जो ये चीजें बढ़ती जा रही है, डिसिप्लिन बढ़ते जा रहे हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल की भी डेवलपमेंट होती जा रही है। लाइब्रेरी वर्क इज प्राइमरीली ऑफ सोशल सर्विस एंड देयरफॉर नीड्स यंग मेन एंड वेमेन विद अ सेंस ऑफ डेडिकेशन एंड स्पिरिट ऑफ सर्विसेज। क्योंकि लाइब्रेरी का काम एक सोसाइटी में एक सोशल सर्विस फराहम करती है, इसीलिए इसके लिए ज्यादातर यंग मेन और वेमेन की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि वो डेडिकेशन और एक जज्बे के साथ खिदमत अंजाम दें। दोज इंटेंडिंग टू एंटर द लाइब्रेरी प्रोफेशन, वो लोग जो इरादा रखते हैं कि लाइब्रेरी प्रोफेशन में एन हो जाए, शुड सेटिस्फाई देम सेल्फ दैट दे पोजिस द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड द सेंस ऑफ वोकेशन दैट वुड इनेबल देम टू वर्क सक्सेसफुली एज ए लाइब्रेरी। जो लोग लाइब्रेरी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए कि उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो और वो स्किल्स हो जो कि उसको वो मदद फराहम करें कि कम्युनिटी की सर्विसेज कैसी दी जाती है। ये सारे जज्बे उनके लिए होना चाहिए। फिर कहते हैं ड्यूटीज ऑफ लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरियनशिप की क्या क्या ड्यूटीज आ गए। सबसे जो पूरी दुनिया में अहम ड्यूटीज है लाइब्रेरियनशिप की, वो ये है कि सेलेक्ट एंड एक्वायर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। लाइब्रेरियनशिप की नेचर ये है कि आपने इंफॉर्मेशन की हसूल करना है, सच एज बुक, ये बुक्स में की शक्ल में भी, जर्नल्स की शक्ल में, और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसिस, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लाइक ई बुक्स, ई जर्नल्स या आर्टिकल्स, इनकी हसूल को जो है ना, ये कौन करते हैं, लाइब्रेरियनशिप की ड्यूटीज में आ जाता है। ऑर्गेनाइज एंड कैटलाग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सो दैट पैटर्न्स कैन ईजिली फाइंड देम। इन लाइब्रेरियनशिप का काम क्या है कि इनको ऑर्गेनाइज करना और उसको कैटलाग की सूरत में लोगों को प्रेजेंट करना। पैटर्न से मुराद लाइब्रेरी कस्टमर है या स्टूडेंट है या फैकल्टी मेम्बर्स, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। प्रोवाइड रेफरेंस एंड रिसर्च असिस्टेंट टू पैटर्न्स। लाइब्रेरियन की और क्या खिदमत है कि रेफरेंस सर्विसेज भी दे दे, और रिसर्च असिस्टेंस टू पैटर्न का मतलब अगर उसको रिसर्च में कोई चीज़ मवाद चाहिए, उसको ये हेल्प फराहम करे। टीच पैटर्न्स हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। पैटर्न्स को यानी कस्टमर को ये बताया जाए कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स को आसानी से कैसे ढूंढा जा सकता है। प्रोमोट लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइब्रेरियन का काम लिटरेसी को फ़र्वा देना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फ़र्वा देना। डिवेलप एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम एंड सर्विस दैट मीट द नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटी। ऐसी प्रोग्राम को मुतारफ करना जो कि कम्युनिटीज को उसकी ज़रूरत होती है। लाइब्रेरियंस मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल एंड द एबिलिटी टू वर्क विद वेरियस टेक्नोलॉजीज। लाइब्रेरियन का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझ ले, इसकी हुसूल में जो है ना, इसकी एबिलिटी ऐसे हो कि एक मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में वो काम करके सर्विसेज फराहम करें। अदर फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरियनशिप्स इंक्लूड्स मस्ट ऑल्सो कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पैटर्न्स। सबसे अहम जो ड्यूटी है, जो फंक्शन है लाइब्रेरी की, पैटर्न्स को यानी कस्टमर को या उनके जो आरी लोग होते हैं, उनको ऐसी सर्विसेज कम्युनिकेट करना फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इससे मुराद ये है कि लाइब्रेरी में हर डिसिप्लिन के लोग आते थे, तो लाइब्रेरियन का काम इसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। अ लाइब्रेरियन डज नॉट ओनली कम इन टू कंटेक्ट विद कोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो एक्सपीरियंस द प्लेजर्स एंड थ्रिल ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। लाइब्रेरियन का काम सिर्फ मवाद फराहम नहीं करना है, बल्कि उसको राइट सही इंफॉर्मेशन सही शख्स को सही वक्त पर फराहम करना, ये लाइब्रेरियन की फंक्शन में से एक फंक्शन। लाइब्रेरियनशिप दस कैन बी एक्सेलेंट प्रोफेशन फॉर दोस्त हु एंटर इट विद द सीरियसनेस ऑफ पर्पज। लिहाजा लाइब्रेरियन प्रोफेशन में वो लोग आ जाते हैं जो कि सीरियसली इस पर्पज को जान सके कि इनका काम मवाद को फराहम करना। लाइब्रेरियनशिप इज डेफिनेटली एन प्रोफेशन दैट डिमांड स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। एक ऐसा शोबा है जो कि स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल उसके पास हो। इट्स स्टडी इज बेस्ड एज ए सिस्टमेटिक थ्योरी एंड डिलिनिएट एंड सपोर्ट द स्किल दैट कैरेक्टराइज द प्रोफेशन। इसका काम ऐसे थीरीज और ऐसी चीज़ को वजाहती तौर पर प्रेजेंट करना अपने स्किल्स के लिहाज से जो कि इस शोबे को मजीद जो है ना चार चांद लगा। इट हैज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोमोट एक्सीलेंस इन द नंबर्स
इन द मेंबर्स वर्क। इसका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना और इसकी एक्सीलेंसीज को और इसके मेंबर जो वहां पे काम करते हैं उसको प्रमोट करना। इन्फ्लुएंस पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड सपोर्ट। लाइब्रेरियन का काम क्या है? कि पब्लिक सेंटिमेंट आवाम के जो इजहार होते हैं इसको सपोर्ट करना मवाद के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, एंड ट्राई टू रेज इट टू द पोजिशन ऑफ डिग्निटी एंड सोशल स्टैंडिंग। जो लोग लाइब्रेरियनशिप में इन होना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, उसको चाहिए कि अपनी पोजीशन, अपनी आन और शान को सोशल स्टैंडिंग कम्युनिटी में बढ़ा लें, ना कि एक साइलेंट लाइब्रेरियन कोने में बैठा हुआ। तो मुझे उम्मीद है आज की सेकंड लेक्चर में आपको लाइब्रेरी एज ए प्रोफेशन के बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन वसूल हो गई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए और इस सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। अपने कमेंट्स भी नीचे जो है ना वीडियो के दे दें, और मजीद जो है ना अगर आपकी कोई फीडबैक्स हो तो उससे भी हमें आगाह करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू सो मच वंस अगेन।